हमारे साथ इस वक्त जो है हम दिल्ली के यमुना विहार के सामने विक्टोरिया पब्लिक स्कूल के सामने हैं और ये मुस्लिम लीग के सांसद हैं और जो यहाँ उत्तर पूर्वी ज़िले में जो हिंसा हुई है उन हिंसा पीड़ितों की सहायता के लिए आए हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं। बेताब समाचार में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और जी शुभ नाम क्या है सर आपका? जी थोड़ा सा आगे हो जाएं आप। जो मेरा नाम कजारी कुट्टी, ये बशीर, ये वहाब और थंगल जी, हम तीनों संसद में है। एक मिनट, आप ऐसे करें तो। हमारे साथ इस वक्त जो है हम दिल्ली के यमुना विहार के सामने विक्टोरिया पब्लिक स्कूल के सामने हैं और ये मुस्लिम लीग के सांसद हैं और जो यहाँ उत्तर पूर्वी ज़िले में जो हिंसा हुई है उन हिंसा पीड़ितों की सहायता के लिए आए हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं। बेताब समाचार में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और जी शुभ नाम क्या है सर आपका? जी थोड़ा सा आगे हो जाएं आप। जो मेरा नाम कजारी कुट्टी, ये बशीर, ये वहाब और थंगल जी, हम तीनों संसद में है। एक मिनट, आप ऐसे करें तो। हम वहाँ विक्टोरिया स्कूल के बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। पीके गुट्टी साहब, जिस तरह से उत्तर पूर्वी जिले में हिंसा हुई, आप हिंसा पीड़ितों की सहायता के लिए और आप मुस्लिम लीग जो दौरा करने के लिए आई है, तो इस हिंसा पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत मैं इससे ऊपर क्या है, बहुत सैड। ये हम इधर पहले भी आया था, दो दिन के बाद वो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हम सब इधर आया था। ये विक्टोरिया स्कूल में हम गया था, ऐसे मर गया आदमियों का घर भी गया था। ये तो इंसानी जॉब नहीं, मेरी बात हो रही है। कल हम गए थे शिव विहार के जो पीड़ित हैं उनसे बात हुई, वो कह रहे हम पुलिस को फ़ोन करते रहे लेकिन 48 घंटे तक पुलिस का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया और हमें मारा गया, पीटा गया, घर जलाए गए, घर लूटे गए। अभी ये मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, ये सामने ये जो है ये मैं दिखाऊँगा, यहाँ एक पेट्रोल पम्प फूका गया, उसके बराबर में चार दुकानें मुसलमानों की हैं और पाँचवीं दुकान के बाद हिंदुओं की दुकानें हैं, वो चारों दुकानें जलाई गई हैं, बाकी दुकानें सेफ हैं। तो इस तरह से जो चिन्हित करके दुकानें जलाई गई हैं, इस पर ये आप कौन क्या कहना चाहेंगे, ये किस तरह की हिंसा? अभी पूछा था उसके साथ, वो बोला वो पुलिस को बुलाते ही रहे लेकिन पुलिस नहीं आया। वो विक्टोरिया स्कूल हम गया था उधर से, उस दिन हमारे साथ बोला पुलिस नहीं आया। ये सब प्लान है, ये सब प्लान है, ये सब पहले ही डिसाइड किया है, ऐसा वो सब किया है, ये प्लान है। और बीजेपी वालों और पीपल और पुलिस सब साथ मिल के किया है ये सब। तो मुस्लिम लीग इस पर इसे लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएगी? आज भी बहुत गड़बड़ था लोकसभा में, हम ये सब्जेक्ट और कल भी उठाएगा, कल भी उठाएंगे। अब इस वक्त आप जो है इलाके उत्तर पूर्वी जिले में कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम अभी मारने वाले आदमियों के घर जाते हैं। हाँ, जिन लोगों के घर चले हैं उन लोगों से मिलने के लिए आप लोग जा रहे हैं? ठीक है, ओके। को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो